हे वेलकम व्यूअर्स। तो आज मैं आपके पास लेके आया हूँ एक सैमसंग का टीवी है। इसमें प्रॉब्लम क्या है पहले तो आपको दिखा देते हैं। तो चलिए पहले हम पावर को दे देंगे। पावर के देने के बाद आप सब लोग देख सकते हो कि इसका जो पावर की जो लाइट है ना, आप सब लोग देख सकते हो इसकी जो पावर की जो लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है। तो चलिए दोस्तों ये क्या प्रॉब्लम है आप सब लोगों को दिखाते हैं। टीवी हमने खोल लिया है, अब हम देखेंगे इसका एसटी का जो प्लस बी सप्लाई है वो 120 वोल्टेज रहता है, 127 वोल्टेज आ रहा है। तो 127 वोल्टेज ठीक है कि नहीं, 120 वोल्टेज होना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पर एक 100 वाट का लैंप देंगे। लैंप हमने दे दिया है और वोल्टेज हमारा सही है, 123 वोल्टेज है, सही है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो ट्यूनर सेक्शन है, ट्यूनर में 5 वोल्टेज है वो ठीक है। ट्यूनर का जो SCL SDL वोल्टेज है ये है SCL हमारा 3 वोल्टेज है, और SDA वोल्टेज है वो भी ठीक है, SCL SDL ठीक है। मेमोरी का जो सप्लाई वोल्टेज है वो भी ठीक है, वो 5 वोल्टेज है। तो हमारा सभी स्टैंड बाई वोल्टेज सही है। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये ESD ऑन क्यों नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल सेक्शन देखना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन पहले हम शुरू करेंगे कि ड्राइवर सप्लाई वोल्टेज ठीक है कि नहीं है। ड्राइवर सप्लाई वोल्टेज देखिए दोस्तों, ड्राइवर सप्लाई वोल्टेज नहीं है हमारा। तो ड्राइवर सप्लाई वोल्टेज से यहाँ पर एक डायोड से चॉपर से निकलता है। तो डायोड के यहाँ पर तो 12 वोल्टेज है, लेकिन डायोड के इस तरफ 12 वोल्टेज नहीं है। इसलिए पहले हमें ये डायोड चेक करना पड़ेगा कि ये डायोड सही है कि नहीं है। तो दोस्तों चलिए डायोड को देखते हैं। पहले टीवी का लाइन खोल लिया है। देखिए दोस्तों, हमने बोर्ड उल्टा कर लिया है। अब हम डायोड मापेंगे। डायोड की जो रेंज है वो भी दे दिया है। अब हम डायोड को देखेंगे वो सही है कि नहीं है। दोस्तों ये डायोड मीटर में बिल्कुल सही दिखा रहा है। तो इस डायोड को हमें चेंज करके देखना पड़ेगा, क्योंकि सैमसंग के टीवी में इस डायोड जब ख़राब होता है, इसमें रीडिंग सही रहता है फिर भी ख़राब होता है। तो चेंज करके हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो ड्राइवर सेक्शन का वोल्टेज है वो आता है कि नहीं। तो हमने डायोड खोलने की शुरू की है।
दोस्तों, हमने डायोड खोल लिया है। यहाँ पर 4004 डायोड है। 4004 मेरे पास नहीं है, तो हम 4004 डायोड के बदले में 159 जो डायोड होता है वो डायोड लगाने से भी चलेगा। तो हम डायोड चेंज करने के बाद देखते हैं कि हमारा जो ड्राइवर सेक्शन का वोल्टेज, ड्राइवर का इनपुट का जो वोल्टेज है वो होता है कि नहीं। मीटर को हम ग्राउंड में दे दिया है। अब हम वोल्टेज मापेंगे कि डायोड का लगाने से हमारा ड्राइवर सेक्शन के वोल्टेज आए हैं कि नहीं है। दोस्तों, लगता है हमारा टीवी ऑन हो गया है। डायोड का वोल्टेज जो है आपको दिख रहा है, डायोड का वोल्टेज 12 है और इस तरफ वोल्टेज भी 11.63 आ रहा है। तो ड्राइवर का वोल्टेज हमारा सही हो गया है। हमारा ESD भी ऑन हो गया है। आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये है हमारा वर्टिकल सेक्शन का सप्लाई, वर्टिकल सप्लाई है। वर्टिकल सप्लाई जो है वो रेडी हो गया है। इसके मतलब ESD ऑन हो गया है। 180 भी ऑन हो गया है जो बेसबोर्ड का सप्लाई होता है। देखिए दोस्तों, अब चलिए पिक्चर दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, हमारा टीवी ऑन हो गया है। AV को इनपुट करूँगा मैं, आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। AV लिखा आ रहा है, नो सिग्नल लिखा रहा है। सिग्नल मैंने दे दिया है, सेट टॉप बॉक्स ऑन हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे टीवी का पिक्चर बिल्कुल ओके हो गया है। तो थैंक यू दोस्तों।